नमस्ते दोस्तों, रामगढ़ टेक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले HPPSC यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सब इंस्पेक्टर और अन्य कई पदों में वैकेंसी निकाली गई है। आज हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी और क्या एजुकेशन होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल का आइकन आता है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलती रहे यहाँ पर वीडियो अपलोड होते ही। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टेक। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस वैकेंसी को निकाला जिसमें पोस्ट नेम सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर, फार्मेटिस्ट, स्टैटिकल असिस्टेंट, हेल्थ वर्कर, लेमिनेंट एंड वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकाली है। तो चलिए अब इसका डेट आपको बता देते हैं। यहाँ पर आरंभ तिथि जो इसका डेट बताया जा रहा है 16 सितंबर 2017 से इस वैकेंसी को स्टार्ट किया गया है और इसका अंतिम तिथि जो है 15 अक्टूबर 2017 मतलब 15 अक्टूबर 2017 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जॉब लोकेशन जो होगा दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश होगा। अगर आप नौकरी पा लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपको पोस्ट दिया जाएगा। इसमें अप्लीकेशन फ़ीस OBC और जनरल को ₹360 होगा, STSC को ₹120। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक द्वारा चलान द्वारा नहीं कर सकते। एज लिमिट यहां पर 18 से 45 वर्ष तक मांगा गया है और यहां पर जो एज में छूट मिलेगी OBC को 3 साल का, STSC को यहां पर मिलने वाला है 5 साल का, यहां पर STSC को मिलेगा और OBC को 3 साल का मिलेगा। इसका लोकेशन जो होगा जॉब का वो आपको हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए इसका वैकेंसी का आप कुछ और इम्पोर्टेंट डेट आपको बताते हैं। डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम जो है सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर, हेल्प वर्कर, लाइनमैन, DGT और विभिन्न पद इसमें निकाली गई है जिसमें पोस्ट संख्या जो है 2,945 है। इसमें वेतन 5,910 से लेकर 20,200 प्रति महीने देने की बात की जा रही है। चलिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में ग्रेजुएशन मांगा गया है। रेडियोग्राफर में आपको 12वीं पास, विज्ञान के साथ मतलब साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। स्टैटिकल असिस्टेंट में आपको यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विज्ञान के साथ होना अनिवार्य है और TGT में ग्रेजुएट विषय के साथ आपको 50% मार्क्स मांगा गया। तो ये सब क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो बताया जा रहा है वो रिटर्न एग्जाम के तौर पर सिलेक्शन लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न एग्जाम आपको देना होगा, उस आधार पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसे अप्लाई किस तरह करना। इसे अप्लाई करने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ से इसे अप्लाई करना होगा। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पूरा डायरेक्ट जाकर पढ़ सकते हैं और सारा डिटेल चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ाना एक वैकेंसी की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय।